एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टोर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं करूँगी, बहुत ही बेसिक से और आसान सी भाषा में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कब आपको क्या यूज़ करना है, डार्क सर्कल को किस से हाइड करनी है, फेस को कब आप लोगों को ब्राइट एंड इवन दिखाने के लिए क्या यूज़ करना है, प्रॉपर शेप देने के लिए फेस को क्या यूज़ करना है, एंड मेकअप में स्टेप बाय स्टेप किसे पहले यूज़ करना है, किसे बाद में यूज़ करना है। तो ये सारी बातें होंगी इस वाले वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड बेसिक रखूंगी मैं ये, तो जो लोग मेकअप में बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो तो हेल्पफुल होगा ही। साथ ही साथ जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आपको करेक्टर यूज करना है या कंसीलर यूज करना है अपने फेस को एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए, वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। पहले बात कर लेते हैं करेक्टर के बारे में। तो करेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमारे फेस में डार्क पैचेस होते हैं या जब हम लोगों को डार्क सर्कल्स होती है, तो उसे हाइड करने में करेक्टर का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है करेक्टर। तो करेक्टर में भी बहुत तरीके की कलर्स मिल जाती हैं, जैसे आपको ग्रीन मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा। तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि कौन सा करेक्टर आपके स्किन के लिए सही है। तो ग्रीन वाला जो करेक्टर होता है वो उन लोगों के लिए है जिनके फेस पे रेडनेस की इश्यूज है, जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है और आपके फेस पे कहीं कहीं रेड रेड दाने हो जाते हैं, तो उस चीज को हाइड करता है ग्रीन कंसीलर। और जिन लोगों के डार्क सर्कल्स जो है वो थोड़े ब्लैक टोन्ड हैं, मतलब जिनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और पैचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है और उसका टोन जो है वो ब्लैक के टूवर्ड्स रहता है, तब आपको यूज़ करना होता है ऑरेंज कंसीलर। और उसे भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेकर आपको डैब डैब करके यूज़ करना है। और जहाँ तक बात रही येलो कंसीलर की, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके डार्क सर्कल्स जो हैं वो पर्पल टोन के होते हैं या ग्रीन टोन के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डार्क सर्कल है वो काला नहीं होता, एक्चुअली वो थोड़ा सा उसका जो टोन होता है ना वो हल्का सा पर्पल या ग्रीन की तरफ रहता है। जैसे मेरी जो डार्क सर्कल है वो हल्का सा पर्पल टोन की तरफ है। साथ ही आपके जो पैचेस होते हैं फेस पे, जैसे जो चिन एरिया में हो गया, फॉरहेड में हो गया, वो अगर हल्के हैं तो उसे आप इजीली येलो करेक्टर से हाइड कर सकते हैं। अगर वो डार्क है तब आप ऑरेंज शेड पिक कीजिए, और ऑरेंज शेड जो है अगर आपके लाइट डार्क सर्कल है उस पर अगर आप यूज करेंगे तो आपके फेस जो है ना वो ऑरेंजी इफेक्ट देती है। इस वजह से आपको कंसीलर जो है अपने फेस के हिसाब से और आपको किस चीज को हाइड करना है उस हिसाब से आपको कंसीलर चूज कर सॉरी करेक्टर चूज करना है। फिर बात कर लेते हैं कंसीलर की। तो कंसीलर का मेन काम होता है कि आपके फेस को ये ब्राइटेंड इफेक्ट देता है। मतलब ये कि जब आप फाउंडेशन यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहेंगे कि आपके फेस पे जहां पे भी लाइट फॉल होती है तो आपका फेस जो है वो थोड़ा सा ब्राइट लगे। अब आप पूरे फेस पे अगर आप लगा लेंगे कोई भी अपने फेस टोन से लाइटर फाउंडेशन, तो आपका जो चेहरा है वो आपके बाकी बॉडी पार्ट से जो है वो अलग दिखेगा। इस वजह से फाउंडेशन हमेशा अपनी शेड का लेना चाहिए और कंसीलर जो है वो अपने से मिनिमम दो टोन लाइटर लेना चाहिए। और इसे आप अगेन अप्लाई करेंगे अंडर आई एरिया पे, नोज एरिया पे, जहां भी आपको हाइलाइटिंग चाहिए वहां पे आपको यूज करना। तो फाउंडेशन के पहले हम लोग यूज करेंगे करेक्टर और फाउंडेशन के बाद हम लोग यूज करेंगे कंसीलर, और दोनों को ही पाउडर से सेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अगर आप इसे पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो ये आपके फाइन लाइंस में जमा होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा पैची लगता है, और फिर बिल्कुल भी जो मेकअप होता है ना वो इवन नहीं लगता और जगह जगह पे जमना शुरू हो जाता है मेकअप। तो दोनों को पाउडर से जरूर सेट कर लें। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्टोर की। तो आई होप आप लोगों को कंसीलर और करेक्टर के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो कॉन्टोर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फेस को शेप देने के लिए, एक चिजल्ड एंड कट लुक देने के लिए। तो जिनके भी फेस में हैवी चीक्स हैं, जॉ लाइन जो है वो थोड़े चौड़े हैं, नोज जो है वो थोड़ी फैली है या मोटी है, फॉरहेड जिनके बड़े हैं, तो वो लोग यूज करेंगे कॉन्टोर अपने फेस को एक प्रॉपर लुक देने के लिए। तो मेरे जैसे हैवी चीक्स है तो मैं अपने चीक्स को एक प्रॉपर लुक देने के लिए, चिजल्ड एंड स्लिम लुक देने के लिए यूज करती हूँ कॉन्टोर। तो इस तरीके से कॉन्टोर यूज करना है। फिर जिनकी भी जॉ लाइन जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है, जैसे मेरी जो जॉ लाइन है वो थोड़ी हैवी है, थोड़ी ज्यादा पता चलती है, तो मैं इसे यूज करती हूँ अपने जॉ लाइन पे एक प्रॉपर सा चिजल्ड लुक देने के लिए। नोज पे भी मैं कॉन्टोरिंग यूज करती हूँ क्योंकि मेरी नोज जो है वो थोड़ी फैली हुई है,
तो कंटूर वहां पे यूज करते हैं नोज को एक स्लिम एंड यू नो बहुत ही प्रॉपर शेप देने के लिए, ताकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करे एक स्लिम नोज का। जिनकी भी फॉरहेड जो है वो बड़ी होती है, मेरी फॉरहेड इतनी बड़ी नहीं है, मुझे कॉन्टोरिंग की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, बट जिनकी फॉरहेड बड़ी है वहां पे वो यूज करेंगे कॉन्टोर उसको एक प्रॉपर इल्यूजन देने का, कि आपकी फॉरहेड जो है उसका इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपकी फॉरहेड थोड़ी छोटी है। तो ये है बेसिक इसका काम। तो सबसे पहले मेकअप में यूज होता है करेक्टर, फाउंडेशन के पहले यूज होगा करेक्टर। अब करेक्टर आप अपने फेस के हिसाब से ले सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज या फिर येलो। फिर फाउंडेशन के बाद हम लोग यूज करते हैं कंसीलर, अपने फेस को एक प्रॉपर हाइलाइटेड इफेक्ट देने के लिए अपने स्किन टोन से कम मिनिमम 2 शेड लाइटर यूज करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं कॉन्टोरिंग, तो कॉन्टोरिंग हो जाती है फेस को एक प्रॉपर लुक देने के लिए, प्रॉपर कट लुक एंड चिजल्ड इफेक्ट देने के लिए। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो। और यस, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।